अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्तखार अली सज्जाद है। मैं माहिर अमराज़ सीना तपेदिक पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप फिजिशियन हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज विजिटिंग कंसल्टेंट नेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। आज का दिन आपसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक बीमारी होती है जिसको COPD कहते हैं, उसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाए। COPD बेसिकली एक दमे की किस्म है जो कि सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी करने की वजह से होती है। सिगरेट नोशी की वजह से सांस की नालियों की सोजश होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसकी सबसे अहम अलामत में सांस का फूलना, खांसी और उसके साथ बलगम का आना और सीने की जकड़न का रहना। ये बीमारी सिगरेट के धुएं की वजह से, इसके अलावा फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से, कुछ लोग भट्टा में काम करते हैं उसकी वजह से, और कुछ लोगों को जेनेटिकली हमारे फेफड़ों में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं उसकी वजह से इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया भर में जितने स्मोकर्स हैं उसमें से 50% लोग जो कि 20 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर चुके होते हैं उसमें ये बीमारी डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ ये जो बीमारी है, इस वक्त अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसमें 6ठे नंबर पे ये बीमारी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हो रही है। ना सिर्फ ये अमवात की एक वजह है बल्कि ये एक इकोनॉमिकल बर्डन भी है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ये बीमारी है जो कि बड़ा लंबा अरसा चलती है, सांस के लिए लंबा अरसा दवाइयाँ लेना पड़ती है, बार बार एडमिशन्स होते हैं। बीमारी के साथ साथ इकोनॉमिक पैसे का बर्डन भी इस पर आता है। इसके साथ साथ ये डायग्नोस कैसे होती है, जब मरीज़ हमारे पास आता है तो यही अलामात के साथ जो मैंने आपको बताई है उनके साथ साथ हम एक टेस्ट करते हैं स्पायरोमीट्री, उस पर सांस की नालियों की तंगी की वजह से हम इसको तशखीस करते हैं कि सांस की नालियों की तंगी होगी। इस बीमारी के मुतालिक सबसे अहम बात यह है कि जब एक दफ़ा ये सांस की नालियों की तंगी हो जाती है तो ये दोबारा वापस रिवर्सिबल नहीं होती, और मरीज़ों को अमूमन कुछ ना कुछ मेडिसिन सारी ज़िंदगी के लिए लेना पड़ती है। अगर सिगरेट नोशी छोड़ दें, जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा सिगरेट पी हो और उनको ये बीमारी डेवलप हो जाए, तो सिगरेट नोशी छोड़ने की वजह से इस बीमारी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी भी वाकई होती है और इसकी जो प्रोग्रेस है इसके बढ़ने की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर सिगरेट नोशी तर्क नहीं की जाती तो ओबियसली इस मसले का जो प्रोग्रेस है, जो इसकी बढ़ने की रफ्तार है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर पे भी फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बगैर वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते। सांस के अलामत के अलावा इस बीमारी की और भी पेचीदगियाँ होती हैं जिसकी वजह से पूरे जिस्म पे असरात मुरतब होते हैं। वो लोग जिनको ये बीमारी है उनमें दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस्म के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और कई दफ़ा फेफड़े में हवा लीक होने के भी चांसेस इन मरीज़ों में बढ़ जाते हैं। एहतियाती तदाबीर में जैसे मैंने अभी बताया कि सिगरेट नोशी सबसे छोड़ना सबसे अहम स्टेप है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात यूज़ होती हैं जो कि सांस के ज़रिए ली जाती हैं, इनहेलर की शक्ल में या कैप्सूल्स होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको सांस के ज़रिए खींचना होता है। वो सबसे मेन दवाई है जो कि हम इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं। गोलियों की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में या शरबत की शक्ल में दवाई सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल उसकी नुकसानात भी पैदा कर सकता है। सबसे अहम तरीका सांस के ज़रिए इनहेलर की शक्ल में मेडिसिन लेना है। कुछ लोगों को इनहेलर के मुतल्लक ये वहम होता है कि ये एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो लग जाता है। इस बारे में सबसे अहम अवेयरनेस मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को बड़ा रेजिस्ट करते हैं कि हमने इनहेलर यूज़ नहीं करना, हालांकि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है जो कि सबसे बेहतरीन इम्प्रूवमेंट पैदा करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। अगर यही मेडिसिन उनको गोलियों की शक्ल में दी जाए तो उससे ना सिर्फ ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन के मसाइल पैदा होते हैं बल्कि पट्ठों की कमज़ोरी को भी मज़ीद बढ़ा सकती है। इनहेलर जैसे मैंने बताया कि ये सोजश परमानेंट होती है, तो वो दमा जो कि सिगरेट पीने की वजह से होता है उसमें मेडिसिन रेगुलर यूज़ करने से लाइफस्टाइल भी बेहतर होता है और अलामत में भी कमी पैदा होती है। अगर वो ये रेगुलर नहीं लेते तो उनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगा, बार बार हॉस्पिटल एडमिशन होगा और इन्फेक्शन के मसले की वजह से
उनको बार बार दाखिल होना भी पड़ सकता है। अगेन इसके एंड में मेरा पैगाम जो इसके बारे में ये है कि सबसे पहले तो इस बीमारी से बचा जाए। बचने का तरीका ये है कि वो अवामल जो कि ये बीमारी पैदा करते हैं उससे बचा जाए, और उनमें से सबसे अहम है सिगरेट नोशी। इसके अलावा जो लोग भट्टा वगैरह ऐसी जगह पर काम करते हैं वो प्रॉपर मास्क यूज़ करें और प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करें ताकि ये स्मोक उनके फेफड़ों को नुकसान ना दे। और वो लोग जिनमें ये बीमारी हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, वो सिगरेट नोशी फ़ौरन तर्क करें, और उसके अलावा मेडिसिन का बाकायदगी से इस्तेमाल करें जो उनका डॉक्टर उनके फिजिशियन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि ये मज़ीद ना बढ़े और उनमें पेचीदगियाँ पैदा ना हों। शुक्रिया।